आइए जी, अब लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. अब वेरिएंस एनालिसिस की बात कर लेते हैं. व्हेनेवर देयर आर बजट्स, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएंस. वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज दैट व्हाटएवर यू एस्टिमेटेड इन द बजट, उससे अगर एक्चुअल रिजल्ट्स आगे पीछे हो जाए, हम कह देंगे ये वेरिएंस है. अगर आपने कहा कि एक चीज की कॉस्ट 100 रुपए आनी थी और उसकी कॉस्ट 90 रुपए आई, तो इसका मतलब है आपने 10 रुपए कम खर्च किए जो आप कर सकते थे, तो दिस इज फेवरेबल. हाउएवर, अगर आपने सेल्स 100 रुपए की एंटिसिपेट की थी और सेल्स 90 की हुई, तो फिर ये अनफेवरेबल है. दिस इज नॉट समथिंग वेरी यू नो वेरी वेरी मच लाइक्ड बाय द मैनेजमेंट. अब जब हमें पता है दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियंस, तो हमें इसका कुछ थोड़ा सा कुछ हल भी निकाल लेना चाहिए. बाद अवकात क्या होता है दैट वट एवर स्टैंडर्ड कॉस्ट, वट एवर स्टैंडर्ड प्राइसेज यू आर चार्जिंग, वो तो फिक्स रहती हैं, उनमें तो वेरियंस नहीं आती. बट द क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है. अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करें दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देर वॉज अ कंपनी दैट वॉन्टेड टू दैट प्लान्ड दैट दे विल सेल 20,000 यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर ईयर. उनका एस्टिमेट था that the cost per unit for material, the material cost per unit will be $8. उन्होंने उस हिसाब से $160,000 का एक बजट, मटीरियल बजट कैलकुलेट करके एलोकेट कर दिया. जब एक्चुअल सेल्स शुरू हुई, तो बिकॉज ऑफ मे बी गुड मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ गुड यू नो सेल्स एफर्ट, जो उनकी सेल्स थी वो 20,000 की बजाय 30,000 यूनिट्स हो गई. 30,000 यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए था. द बजट वॉज अवेलेबल फॉर 20,000 यूनिट्स, सो आप ऑलमोस्ट यू नो 50% ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ चले गए. तो ऑब्वियसली उस कंपनी ने ज्यादा मटेरियल परचेस किया एंड दे बॉट अबाउट $220,000 वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल. उनकी जो प्रोडक्शन टीम थी वो बड़ी परेशान हो गई, बिकॉज उनका जो बजट था वो तो 160 का था, लेकिन उनकी परचेज उससे कहीं ज्यादा हो गई. अब क्या ये जो एडिशनल सेल हुई है, क्या ये कोई नेगेटिव वेरिएंस शो कर रही है, या ये सही है, ये कोई गलत इसमें नंबर्स नहीं है या बुरे नंबर्स नहीं है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्लेक्स्ड बजट की तरफ जाना पड़ेगा. फ्लेक्स बजट बेसिकली क्या है कि हम जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ले रहे हैं वो हम वही रखें. हमने अगर $8 पर यूनिट का मटीरियल कॉस्ट सोचा था, तो हम वो $8 ही अज्यूम करेंगे, बट नाउ वी विल यूज द एक्चुअल क्वांटिटीज. तो 20,000 के लिए हमने जो पहले एस्टिमेट किया था, वो 30,000 के लिए करते हैं. सो 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए अगर $8 के हिसाब से मटेरियल आएगा, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए $240,000. नाउ अगर एक्चुअल रिजल्ट्स देखें, यू हैव प्रोड्यूस $30,000 एंड यू हैव पेड $220,000 एज मटीरियल कॉस्ट. सो दिस बेसिकली मीन्स कि अगर आप अपने इनिशियल बजट के साथ कंपेयर करें, तो आपने $20,000 कम पे किए हैं. दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस. व्हाई? बिकॉज़ रेट आपने वही रखा. प्रोबेबली आपने ज्यादा क्वांटिटीज बाय की, तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल गए, या आपने अच्छा निगोशिएट कर लिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने जो पर यूनिट आपकी जो कॉस्ट है वो खुद ब खुद आपकी कम हो गई. सो फ्लेक्स बजट से हमारा ये आइडिया ज्यादा बेहतर हो जाता है हमें, कि क्या हमारी वेरियंस वाकई फेवरेबल है या उसमें कोई अनफेवरेबिलिटी का एलिमेंट है. अब आगे चलते हैं हम. बहुत सारे टाइप की वेरिएंस हो सकती है, लेकिन जो वेरिएंस के ग्रुप्स हैं, मोटे ग्रुप्स की अगर आप बात करें, तो सबसे पहले आपको सेल्स में वेरिएंस मिल सकती है, बिकॉज उसकी क्वांटिटीज भी चेंज हो सकती है सेल्स की, और सेलिंग प्राइस भी चेंज हो सकती है. आपको वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएंस मिल सकती है बिकॉज ऑफ द चेंजेस और बिकॉज ऑफ अ वेरिएशन इन मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, या ओवरहेड की में अगर वेरिएंस आ जाए, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट वेरिएशंस मिल सकती हैं. एंड इसी तरह से फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं, उनमें भी बाज़ औक़ात वेरिएंस आ जाती है, जो आप एस्टिमेट करते हैं, एंड में जब आप एक्चुअल उससे कंपेयर करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएंस. देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट आर आइडेंटिफाइड, एंड आई होप एट दिस लेवल यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन माइट फेस. हाउएवर, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, That is investigation of variance. अगर कहीं variance हो रही है organization में, तो उसके reasons क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात की जाए, तो that is a more relevant topic for us. कई reasons हो सकते हैं. Variance का एक वजह नहीं है, बहुत सारी हो सकती हैं. लेकिन सबसे basic वजह जो आमतौर पर देखने में आती है, वो है poor budgeting.
अगर आपने कैलकुलेट ही सही नहीं किया कि आपको कितना खर्चा होगा आपका, तो फिर वेरियंस तो आएगी ना। ये वैसे ही है, आप कभी प्लान बनाइए, आप कहेंगे जनाब मैं एक ऑल पाकिस्तान टूर पर जाना चाहता हूँ, मैं ज़रा पाकिस्तान के जो अच्छे खूबसूरत इलाके हैं वहाँ की सैर करके आना चाहता हूँ, और आपने एक अपना एस्टिमेट लगाया कि जी ठीक है जी मेरे को 50,000 रुपये खर्च होंगे, मैं होके आ जाऊँगा वापस। या आपने अगर एस्टिमेट सही नहीं किया, ठीक है, तो हो सकता है कि आप जाएं और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वापस आ जाएं, आधे पैसे वापस ले आएं, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाफ वे डाउन द रोड आपको अंदाजा हो दैट यू हैव नथिंग लेफ्ट इन योर पॉकेट। सो गलती कहाँ है? गलती प्लानिंग में है। तो इसी तरह से व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस मेक प्लान्स, व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस मेक बजट्स, अगर उनकी कैलकुलेशंस अप्रोप्रिएट नहीं है, उनके फोरकास्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, या जो स्टैंडर्ड कॉस्ट वो ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट चेंज हो गई हैं, वो आउटडेटेड हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो बजट है वो एक्चुअल रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा उसका, और वेरियंस बड़ी विजिबल होगी। दूसरा हमारे पास इम्पॉर्टेंट रीज़न वेरियंसेस का ये होता हो सकता है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम सही ना हो, कॉस्ट का रिकॉर्डिंग सिस्टम। देखिए जो परचेज्ड आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट तो निकल आती है, वो तो आप परचेज प्राइस निकाल लें, देर इज अ सिस्टम, आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लेबर कॉस्ट एंड लेबर ओवरहेड्स, वहां पे अगर आपके टाइमिंग्स, अगर आपकी एफिशिएंसी, अगर आपके आउटपुट सही कैलकुलेट नहीं हो पा रहे, यानी एक एक लेबरर है जो दिन में 8 घंटे काम करता है और उसकी उसको 300 रुपये मजदूरी मिलती है, अब उन 8 घंटों में उसने एक्चुअली कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, क्या आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आप उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करा सकें? क्योंकि अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट दैट द गाय प्रोड्यूस्ड? सो देयरफॉर रिकॉर्डिंग सिस्टम इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया एंड वी नीड टू टेक अ सीरियस लुक एट दैट। थर्ड इज ऑपरेशनल रीजंस। ऑपरेशनल रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। ऑपरेशनल रीजंस में मटेरियल प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। आपने कहा जनाब हमने एस्टिमेट किया था कि ये 10 रुपए का एक इनपुट मिलेगा, वो पता चला जी डॉलर का रेट चेंज हुआ एंड एट द एंड ऑफ द डे द कॉस्ट वेंट अप। तो अगर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही चेंज हो गई तो आपने जो सारी जो प्लान कर रखा है, बजटेड प्लानिंग है आपकी, वो सब उसमें वेरियंस आ जाएगी। बट इट विल बी ऑब्वियसली इट विल बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसी तरह से मटेरियल यूजेज आपने एस्टिमेट किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी वर वर्किंग, हमने एस्टिमेट किया कि एक कार्टन जो पैक होता है उसके ऊपर टेप कितना लगता है, वो एस्टिमेट कर लिया, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर ली, इतने कार्टन बनेंगे और हो गया वो। नाउ जब एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट किया तो पता चला कि जितना टेप हमने कैलकुलेट किया था वो टेप कम था, बिकॉज उसकी डबल कोटिंग चाहिए होती थी विद द वेट इनसाइड द बॉक्स। हमने उसको खाली बॉक्स पे उसकी लेंथ कैलकुलेट की थी, जब उसमें वजन पड़ता था तो फिर उसमें उसको डबल सपोर्ट देनी पड़ती थी, अदरवाइज वो डब्बा फट जाता था। सो रिजल्ट क्या निकला कि हमने जितना टेप खरीदने का बजट बनाया था वो हमें ऑलमोस्ट डबल करना पड़ा। ऑब्वियसली कैलकुलेशन एरर है, लेकिन मटेरियल्स के जो यूजेज का एस्टिमेट है अगर वो गलत हो जाए तो उसकी वजह से भी वेरियंस जो है वो आपके सामने आ सकती है।